नमस्कार, के न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आई सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तीन महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान हैं, इनके कुलपति और डायरेक्टर्स यहां पर बैठे हैं। हम लोगों को वास्तव में जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि स्वयं बचते हुए फिर दूसरों को इसके इन्फेक्शन से बचाने के लिए मार्ग दिखाना होगा, और इसको हमें हर हाल में लागू करना होगा। जितने भी हैं हमारे चिकित्सक, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय, स्वच्छता में लगे हुए कर्मी, सुरक्षा में लगे हुए कर्मी, ये सभी कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। इन सब को हर हाल में सुरक्षित रखना, क्योंकि हमारी फ्रंट लाइन है। अगर ये फ्रंट लाइन ही संक्रमित हो जाएगी तो कोरोना की चेन को तोड़ने में जिस लाइन को, जिन योद्धाओं को बड़ी भूमिका का निर्वहन करना है, जब वह स्वयं संक्रमित होकर के जहां तहां क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए या फिर आइसोलेशन के लिए चले जाएंगे, तो शेष लड़ाई कहीं ना कहीं बाधित होती है। एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ बहुत सतर्कता, सावधानी के साथ ट्रेनिंग की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ लागू करने में ही हम सब इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये चिकित्सा सेतु ऐप व्यवहारिक बनाने के साथ ही इसे हम किसी भी प्रकार के साइबर अटैक से भी बचाने का प्रयास करें, और इसमें कहीं भी इसका दुरुपयोग न होने पाए, इसके बारे में भी हमें पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन पर ये एक चुनौती हम सबके सामने वह भी बनी हुई है। हम जितना कुछ भी नया दे पाएंगे इस समय, पब्लिक उसे बहुत अच्छे मन से लेने का प्रयास करेगी। हमें उस दिशा में एक प्रयास करना है। खासतौर पर जब हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई प्रारंभ की थी, तब हमारे पास सैनिटाइजर की कमी थी, पीपी मास्क और N95 पीपी किट और N95 मास्क की कमी थी। ट्रिपल लेयर मास्क के लिए भी हम लोगों को हाथ फैलाने पड़ते थे। आज देश में भी और प्रदेश में भी इसकी पर्याप्त उपलब्धता है, और हमने आत्मनिर्भरता भी इसमें हासिल की है। प्रदेश में हमारे हर जनपद में कोविड Level 1 और Level 2 के हॉस्पिटल खड़े हैं। हमने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा वहाँ उपलब्ध करवाई है, ट्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था की है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्रेनिंग का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वह चिकित्सा की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने पहले भी कहा कि चिकित्सा का जो पार्ट है, दो महत्वपूर्ण उसमें हम उसको केंद्रित करते हैं, एक मैक्रो मैनेजमेंट पर और दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट पर। इनकी दोनों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तनिक भी असावधानी हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए इस सेवा में कहीं भी असावधानी के लिए स्थान नहीं हो सकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए, हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि थोड़ी सी लापरवाही, जिनके बारे में बहुत बार कहा जा रहा है, लेकिन उस थोड़ी सी लापरवाही के कारण पूरी की पूरी टीम को क्वारंटाइन होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम इसके बारे में सतर्कता बरतें, और जैसे भी हो
कोरोना चेन को हर हाल में तोड़ना, हर स्थिति में तोड़ना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। मुझे विश्वास है चिकित्सा सेतु ऐप इस भूमिका का निर्वहन करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से चिकित्सा शिक्षा विभाग को बेहतर ट्रेनिंग के लिए और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नए वॉरियर्स खड़े करने की दिशा से बनाए गए चिकित्सा सेतु ऐप के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि चिकित्सा सेतु ऐप मांग के अनुरूप अपने आप को सदैव तैयार रखेगा और निश्चित ही हम लोग मिलकर के एक टीम भावना के साथ वैश्विक महामारी कोरोना पर भारत की विजय को सुनिश्चित करेंगे। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। तो आप यहां पर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक चिकित्सा सेतु ऐप का लॉन्च किया गया है और ये ऐप जो कोरोना वायरस की चेन है उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा सफल साबित होगा। और साथ ही कहा कि जो कोरोना